दोस्तों, आप सभी और दुनिया भर के फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ये बात जानकर आज भी शॉक में हैं कि कुछ परसेंटेज लोग आज भी ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है। कैसे? 2017 में यूएस फेमस रैपर बॉब ने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया था ताकि वो एक अपने पर्सनल सैटेलाइट को लॉन्च कर सके और ये बात दुनिया के सामने कंफर्म कर सके कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है ना कि गोल। बॉब कम से कम फंड में $1 मिलियन रेज करना चाहता था, लेकिन जब इस फंड रेजिंग कैंपेन की न्यूज हर जगह वायरल होने लगी तो लोगों को यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं लगा और इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि बॉब ने कितना फंड रेज किया। लेकिन कुछ सालों बाद बॉब जैसे न जाने कितने ही तादाद में लोग आने लगे जो ये मानने लगे कि धरती फ्लैट है। और हैरानी की बात तो ये है कि यूएस में फ्लैट अर्थर कम्युनिटी की कॉन्फ्रेंस भी होती है। इस सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल फ्लैट अर्थ रिसर्च सोसाइटी कहा गया था, जिसकी शुरुआत सिंग राइटर सैमुअल शेनटोंग द्वारा हुई थी। इनका मानना यह था कि पृथ्वी पूरी तरह फ्लैट है, जहां सेंटर में नॉर्थ पोल है और पृथ्वी का आखिरी छोर पूरी तरह बर्फ की दीवारों से घिरा हुआ है और पृथ्वी का वातावरण एक बड़ी सी स्नो बॉल के अंदर है। इस कम्युनिटी का सबसे लेटेस्ट मॉडल जो बनकर आया है उसमें ये बताया गया है कि सूरज और चांद केवल 50 से 70 किलोमीटर के डायमीटर में हैं, जो पृथ्वी को लगभग 6000 किलोमीटर की ऊंचाई से सर्कुलर ऑर्बिट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सो कॉल्ड फ्लैट अर्थर सोसाइटी के सभी क्लेमों को हम आसानी से गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में ये मोस्टली वो लोग हैं जो मिसगाइडेड हैं या फिर वे अनपढ़ हैं, जो विज्ञान में पूरी तरह विश्वास भी नहीं करते। क्योंकि पृथ्वी गोल है ये पहली बार 3rd सेंचुरी के एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर इरेथोस्थेन ने ये अनुमान लगाया था। उन्होंने ही पृथ्वी के सर्कमफ्रेंस को मापा था। सर्कमफ्रेंस यानी किसी भी सर्कल के अराउंड उसका कितना डिस्टेंस है, और उन्होंने ही ज्योग्राफी वर्ड को दुनिया के सामने पहली बार रखा था। इसीलिए आज भी उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी से भी सम्मानित किया जाता है। और आखिर में अगर आप चाहे तो फ्लैट अर्थर सोसाइटी को सिर्फ 2 एग्जाम्पल से गलत साबित कर सकते हैं। पहला, आप समुद्र किनारे किसी भी शिप को जाते हुए देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि शिप एक टाइम बाद डूबने लगेगा, पर असल में ये शिप हमारी आंखें जहां तक देख सकती हैं उससे आगे जा चुका होगा और एक समय के बाद आपको ये लगेगा कि वह शिप डूबने लगी है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर धरती फ्लैट होती तो हमें शिप आखिरी छोर तक दिखाई देती, ना कि डूबते हुए। और ऐसे में आप चाहे तो शिप को होराइजन में गायब होने के बाद भी कुछ देर के लिए देख सकते हैं। अगर आप वहीं किसी ऊंची जगह जाकर देख रहे हो तो आपका होराइजन व्यू थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, जिससे आप धरती के कर्वेचर को भी आसानी से देख सकते हैं। आखिर में ये दो इमेजेस देखें। लेफ्ट साइड में एक पिक ली गई है माउंट एवरेस्ट के टॉप से, जिसमें हम आसानी से पृथ्वी के कर्वेचर को देख सकते हैं, और राइट साइड में आप ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई ये इमेज को देख सकते हैं। ये दोनों इमेज फ्लैट अर्थर सोसाइटी को गलत साबित करने के लिए बहुत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।